स्पर्श रेखा तथा स्पर्श बिंदु से होकर जाती हुई त्रिज्या। एक बिंदु व एक रेखा के बीच की दूरी जब बिंदु रेखा में ना हो, न्यूनतम तब होती है जब वह लंबवत होती है। क्या स्पर्श बिंदु से केंद्र की दूरी न्यूनतम होगी, अर्थात स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होगी? प्रमेय 11 कि वृत्त की स्पर्श रेखा पर स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या लंब होती है ज्ञात है। एक वृत्त का केंद्र O है तथा स्पर्श रेखा AB तथा स्पर्श रेखा AB स्पर्श बिंदु ए स्पर्श बिंदु पी पर वृत्त को स्पर्श करती है। ये हमारे पास ज्ञात है, सिद्ध करना है। हमें सिद्ध करना है कि ओपी लंब है एबी से। ओपी रेखाखंड जो है वो लंब है रेखा एबी से। रचना एबी पर पी के अतिरिक्त अन्य बिंदु क्यू आर एस लीजिए और ओ से मिलाइए। उपपत्ति, अब हम उपपत्ति देखते हैं। बिंदु Q R S वृत्त के बाहर स्थित है। वृत्त के बाह्य भाग में स्थित बिंदु की केंद्र बिंदु क्यू आर एस वृत्त के बाहर स्थित है और वृत्त के बाह्य भाग में स्थित बिंदु की केंद्र से दूरी त्रिज्या
से बड़ी होती है। अतः ओपी की लंबाई OQ, OR, OS से प्रत्येक से छोटी होगी। अतः दूरी OP बिंदु O से AB के अन्य बिंदु अन्य बिंदुओं से न्यूनतम दूरी पर है। इसीलिए OP लंब है ABC से। इस प्रमेय में यही सिद्ध करना था कि OP लंब है ABC से। हम इस तथ्य का उपयोग वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचने में करते हैं जब हमें वृत्त का केंद्र बिंदु ज्ञात हो।